आप लोग सब रेडी हैं? टेली शीटें हैं सबके हाथ में? मेरी बात गौर से सुनो। देखो जिस इलाके में हम जा रहे हैं वो आपको पता है कि ये एरिया कितना डेंजर है, ख़तरनाक है ना, तो आप लोग घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बाइक वाला आ जाए तो इधर उधर भागना नहीं है, बिल्कुल आपको अपने काम पे तवज्जो रखनी है। सीधा वहाँ नहीं, सीधा सीधा वो इलाका करना, सीधा चलो और थोड़ा स्पीड से चलें आप लोग। जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। वैक्सीन फौरन अंदर रखें, दरवाजे खटकाना। जब पोलियो वर्कर्स पे पहला अटैक 18 दिसंबर को हुआ और मेरी दो वर्कर को शहीद किया गया, खौफ बैठ गया कि इतने बच्चों को मजदूरी से बचाने जाते हैं, तो उसका सिला हमें ये मिला कि हमारी एक वर्कर जो 250 रुपये पर डे लेती है उसको मारा गया। बच्चे हैं छोटे, अब ये इस तरह पोलियो होता है कि हम सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। इतनी पतली गलियां होती हैं कि अगर मैं उसमें से अंदर चली जाऊं, वापसी का रास्ता कहां से, ये गलियां कहां ख़त्म होंगी, तो मेरी नज़र आगे तक होती है कि वहां से कोई बाइक तो अंदर नहीं आई या कोई मशकूक तो नहीं है। ये आगे की तरफ है पुलिस वाले, बिल्कुल ओपनली मुझे थ्रेड मिले, एक जेंट साहब आप तो इतनी सिक्योरिटी लेकर आ रही हो तो इससे क्या होगा, हम तो खुदकश धमाके करते हैं। लोगों के रवैयों में चेंज आएगा, ये लेकर आए वो रह जाएगी ना बच्ची, कहीं ऐसा नहीं कि ये तो पोलियो के कतरे पिलाकर अपने इलाकों में वापस चले जाएंगे, कहीं हमारे ऊपर भी अटैक ना हो। आपके माइंड में क्या है मतलब, तो हम क्लियर करेंगे ना कि आप क्यों नहीं पिला रहे। अच्छा मजा भी मतलब वो मोले, तो आपने जीरो डोज वाले इन्होंने कभी नहीं पिलाया बच्चों को? हाँ हम 15 साल पोलियो में पीछे चले गए। शाहदेव ये बड़ा दस्तर बिछाओ, नाश्ता लगाओ। मैंने अपने बच्चों को मेंटली तौर तैयार किया हुआ है, जो काम मैं कर रही हूँ वो एक मुजाहिद का काम है, और कुछ पता नहीं जिस काम में मैं जा रही हूँ मैं वापस आऊँ या नहीं आऊँ। मेरे बच्चे मुझे मना करते हैं कि मामा आप क्यों कर रही हैं, आप नहीं जाओ, देर हो रही है, आ जाओ। क्या खाओगे आप? आयशा को खाना देना, मैं पोलियो में होंगी, देर से आऊँगी, आज भी पोलियो है, ठीक है? अम्मी बुरा काम करती है तो उसके घर अकेला सा रहता है, महसूस तो होता है, अम्मी की तो बहुत ज़रूरत है, ये मना भी करते हैं कुछ फ्रेंड्स के ऐसे कैसे काम करती हैं तुम्हारी अम्मी। जो नेगेटिव माइंड के होते तो वो मना भी करते हैं क्योंकि, पर ये तो जॉब है और लेडीज़ कोई जॉब करे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो इस वजह से मैं ये पूरे इग्नोर कर देता हूँ। वैसे अक्सर फ़ोन पर अम्मी की बातें वगैरह सुनी है मैंने, हो रही होती हैं, थ्रेड वगैरह मिल रहे होते हैं पता नहीं किसी से, और इनको तो पता है ये जिस दिन वो लड़कियों की डेथ हुई है तो उस दिन फ़ोन करके कहा तो रो रही थी, ये टीवी पे देखा तो मैंने कहा हुआ क्या है बताओ तो सही, तो बोलने लगी आपकी पोलियो में वर्कर को मारे, आप कहाँ पर हो और आप जल्दी घर आ जाओ, तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ और मैं आ रही हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ। जब पोलियो ख़त्म करके आते हैं तो बच्चों को फिर खुश होकर देखती हूँ कि आज इनके साथ खाना खाऊँगी, आज बच के आ गई हूँ, और मैं अब हमेशा जब पोलियो में उतरती हूँ मैदान में तो सर को हम ये समझती हूँ कि कफन बांधा हुआ है, इसमें मैं अकेली शामिल नहीं हूँ, मेरे पीछे इतने लोग भी हैं जो मेरी तरह बहादुर हैं, इतने खूबसूरत बच्चे जो वजीरस्तान अफगानिस्तान सवाल से आए होते हैं, कंची आँखों वाले, देख कर हमारा खौफ ख़त्म हो जाता है, हम बोलते हैं इस बच्चे को मैं मजदूरी से बचा रही हूँ, अगर इस पर मेरी जान चली भी गई तो कोई बात नहीं। साए में पिलाया इसको, 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं आपके घर में? तो हम ये उन पैसों के लिए 250 रुपये के लिए नहीं बना पिला रहे हैं, हमने इसको अपना एक मिशन बना लिया है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री करेंगे और इन बच्चों को इस मजदूरी से बचाएंगे।